गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आप लोगों को रस के बारे में आज इंट्रोडक्शन यानी जानकारी दूंगा। यानी रस होता क्या है। रस का मतलब ये नहीं समझना है कि गन्ना रस है, आम रस है या और कुछ रस है। रस होता है एक काव्य रस। काव्य यानी कविता को पढ़कर हमें जो कुछ रस की प्राप्ति होती है, यह होता है कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास को पढ़ने से जो एक अलग ही रस की प्राप्ति होती है, वही क्या कहलाता है रस। रस की परिभाषा ये ले सकते हैं, कविता, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास आदि को पढ़ने सुनने, यानी किसके द्वारा, श्रोता के द्वारा, पढ़ने सुनने व देखने से जो एक अलौकिक विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है, वही क्या कहलाता है रस होता है। कविता बहुत सारे पढ़े होंगे आप लोग, जैसे कौसल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पराई। ये होता है वात्सल्य रस, जो ममत्व यानी ममता के द्वारा होता है। जैसे नाटक भी देखते हो, बहुत सारे रंगमंच होता है, उसमें हम दृश्य के माध्यम से देखते हैं, उसमें भी हमें अलग ही रस की प्राप्ति होती है। रस के मुख्य रूप से अब परिभाषा तो जान गए, कविता, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास आदि को पढ़ने व सुनने उस देखने से जो एक अलौकिक विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है, वही क्या कहलाता है रस कहलाता है। रस के मुख्य रूप से चार अंग लिए गए हैं, जैसे है स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। स्थायी भाव यानी जो मनुष्य के चित्त यानी मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है, उसको स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की संख्या 10 मानी गई है, जैसे है प्रेम, क्रोध, करुण रस की शोक है, ऐसे करके बहुत सारे स्थायी भाव हैं जो 10 मानी गई है, और रस के प्रकार भी 10 ही हैं। तो स्थायी भाव किसे कहते हैं, जो मनुष्य के चित्त यानी मन में स्थायी रूप से जो भाव विद्वान रहता है, उसको स्थायी भाव कहते हैं। अब आ जाते हैं विभाव। विभाव विभाव किसे कहते हैं, स्थायी भाव को जागृत यानी उत्पन्न करने वाले भावों को विभाव कहते हैं। तो विभाव किस कारण से उत्पन्न होता है, किसके कारण से या किसके प्रति से उत्पन्न होता है, वही है विभाव है। विभाव के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है आलंबन होता है और दूसरा उद्दीपन। उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव आप किसे कहते हैं, आलंबन विभाव यानी जो स्थायी भाव जो के कारण जो भाव अवलंबित होते हैं यानी रति, प्रेम भाव। स्थायी भाव का एक प्रकार ले सकते हैं, जैसे रति प्रेम भाव, जिसके कारण से रति प्रेम भाव अवलंबित होते हैं, उसको आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव के भी दो प्रकार हैं, एक है आश्रय और दूसरा है विषय। दूसरा है विषय। आश्रय किसे कहते हैं, यानी जिसके कारण से रति प्रेम भाव आश्रित रहते हैं, उसको आश्रय कहते हैं। और जिसके प्रति रति प्रेम भाव, जिसके प्रति रति प्रेम भाव उत्पन्न होते हैं, उसको विषय कहते हैं। अब आश्रय और विषय के बारे में आप लोग सभी लोग परिचित हो चुके होंगे। आश्रय किसे कहते हैं, जिसके कारण से रति प्रेम भाव आश्रित रहते हैं, उसको आश्रय कहते हैं। और जिसके प्रति रति प्रेम भाव जागृत होते हैं, उसको विषय कहते हैं। अब एक उदाहरण दे सकते हैं, शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में रति प्रेम भाव जागृत हुआ यानी उत्पन्न हुआ। तो किसको देखकर, शकुंतला को देखकर। शकुंतला को देखकर रति प्रेम भाव किसके मन में जागृत हुआ, दुष्यंत के प्रति। तो ये हो जाता है विषय। विषय अब दुष्यंत का क्या हुआ, शकुंतला को प्राप्त करना। आश्रय क्या था, रति। उसके मन में रति था, तभी तो वह शकुंतला को प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसका विषय बन गया शकुंतला को प्राप्त करना। अब आ जाते हैं अनुभव। तीसरा अंग है अनुभव। अनुभव अब किसे कहते हैं, आश्रय की बाह्य बाहरी चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। जब हम कहीं भी किसी तरफ जाते रहते हैं, जैसे अचानक जाते रहते हैं तो चोट लग जाता है, उप करके आवाज़ आता है,
वही क्या कहलाता है, अनुभाव। अनु यानी अंदर से जो भाव निकलता है उसको अनुभाव कहते हैं। अब आ जाते हैं संचारी भाव। संचारी भाव, संचारी भाव जो भाव मनुष्य के चित्त में यानी मन में स्थायी रूप से विद्वान नहीं रहता है उसको संचारी भाव कहते हैं। जो भाव पानी के बुलबुले के समान जो है बनते और बिगड़ते रहते हैं उसको हम कहते हैं संचारी भाव। इतना आप लोग समझ चुके होंगे। रस के अंग मुख्य रूप से चार थे, स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव, संचारी भाव, चार हो गए। विभाव के भी दो प्रकार थे, आलंबन उद्दीपन। आलंबन के दो प्रकार थे, आश्रय और विषय। और रस की परिभाषा भी जान गए होंगे, कविता, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास आदि को पढ़ने सुनने से व देखने से जो एक अलौकिक विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है वही क्या कहलाता है, रस कहलाता है। अब आप लोगों का दायित्व तो बनता है कि इसको नोट्स बनाना और इसको जो है उतारना और विस्तार से दूसरे दिन आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।